हेलो गाइस, माय नेम इज़ अतुल। आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोरखपुर से। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँगा जो सबको डाउट्स होते हैं सब चीज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि MBBS सेशन यहाँ पे रशिया में स्टार्ट कब होता है? रशिया में यानी मेरे कॉलेज में कब से स्टार्ट होता है MBBS का, जो हम लोग का नॉर्मल कोर्स होता है। तो फर्स्ट ईयर वाला तो वेरी करता है कि आप कब एडमिशन लेते हो। फर्स्ट ईयर के लिए आपका, जब आप एडमिशन लोगे, आप नीट के बाद से जैसे जैसे आपको प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 सितंबर से मेरे कॉलेज में तो 1 सितंबर से वैसे आपके कुछ कुछ बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं कि मतलब फर्स्ट बैच आ गया, फर्स्ट बैच में 25-30 बच्चे आ गए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके। पर बैचेस जो लास्ट बैच आती है वो लगभग जनवरी एंड तक आती रहती है। तो ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं होता फर्स्ट कि जो जनवरी में आ रहा है उसको कुछ अलग से दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्टार्ट फर्स्ट ईयर में ही, बस ऐसा होता है कि आपका थोड़ा सा वैरी करता है इसमें। और सेकेंड ईयर टू सिक्स्थ ईयर आपका हमेशा 1 सितंबर से आपको रशिया में प्रेजेंट होना चाहिए, तो क्योंकि आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 सितंबर से, आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। और रशिया में है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 100% अटेंडेंस का रूल होता है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है तभी आपको एग्जाम में बैठने को मिलेगा या फिर और भी कुछ करने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर था कि आपका फर्स्ट ईयर के लिए आपका स्टार्ट होता है सितंबर से लेके जनवरी में, और सेकेंड ईयर से लेके सिक्स्थ ईयर के लिए आपका स्टार्ट होता है हमेशा सितंबर 1 से। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि विच बैंक टू चूज, कौन सा बैंक आपको चूज करना चाहिए यहाँ पे रशिया में आने के बाद। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मोस्टली जो बच्चे हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं या फिर कोई भी, हम तो जानते ज़्यादातर लोगों रशियंस, इनफैक्ट रशियंस को भी सब लोग यूज़ करते हैं टिंकऑफ। टिंकऑफ यहाँ पे बहुत इजी होता है, टिंकऑफ का आपको फ़ोन से ही खुल जाता है आपका बैंक अकाउंट। फ़ोन से ही आपको, आप आएंगे तो कुछ आपके सीनियर्स होंगे वो आपके हेल्प कर देंगे अकाउंट खोलने, या फिर अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो वो लोग भी खुलवा देते हैं आपका अकाउंट। उसमें आपको बस फ़ोन में आपको कुछ कुछ आपके डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ये सब चाहिए होता है। और नेक्स्ट डे आपके हॉस्टल पे ही आ जाएगा वो, एक टिंकऑफ से बंदा आ जाएगा हॉस्टल पे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपका अकाउंट खोल देगा और उसी टाइम आपको कार्ड्स दे देगा उस चीज़ के लिए। और बाकी दूसरा ऑप्शन होता है कि सवेर का, तो सवेर बैंक भी यहाँ पे है। सवेर बैंक जैसे समझ लीजिए रशिया का SBI है, तो गवर्नमेंट बैंक है, यानी ये चीज़ हमको कन्फर्म नहीं है तो बोलेंगे नहीं। पर यहाँ पे अगर आपके पास ह्यूज, अब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप सवेर में अकाउंट खोलोगे तो उसमें हमेशा सही रहता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइप का वो है कि वो थोड़ा सा उस पर आपको कैशबैक्स और ये सब ज़्यादा नहीं मिलते, पर आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली पहले के टाइम पे सब लोग यहाँ पे सवेर ही यूज़ करते थे, फिर टिंकऑफ तो अभी लगभग 2-4 साल से ही है। तो यही है कंक्लूजन कि आप यहाँ पे आके टिंकऑफ का अकाउंट खोलिए, टिंकऑफ इजी होता है, उसका बैंक उसका इंग्लिश में भी ऐप होता है, और सवेर का ऐप आपको रशियन में मिलेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में तो आप इतनी अच्छी रशियन तो करके आओगे नहीं कि आपको आराम से आप उस चीज़ को पढ़ लो। बाकी टिंकऑफ में कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हो, उसका कार्ड भी तुरंत आपको मिल जाता है। और सवेर में एक और चीज़ है कि कुछ उसमें चार्जेस कटते हैं, आप जब जाओगे ना खोलने के लिए तो लगभग 1500 रूबल्स कटते हैं आपके बैंक अकाउंट से वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए। बाकी सवेर तो फ्री है, आपको घर पे आके खोलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं उस चीज़ को लेकर। और तो फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आप इंडिया से जब आओगे तो कोई आपको इंडियन एटीएम कार्ड चाहिए होता है क्या? तो आंसर अभी तक तो फिलहाल यही है कि किसी को कोई, अभी तक जो भी हम लोग लेके आए रुपए का या फिर मास्टर कार्ड का कोई भी लेके आए वो अभी तक तो चल नहीं रहा है फिलहाल के लिए। फिलहाल अभी करंट आज डेट है हमारा 30/1/2024, आज तक में अभी तक रशिया में कोई भी इंडियन बैंक का कार्ड नहीं चलता है। जो भी आपको कन्वर्जन होता है पैसे का वो यहाँ पे आपके कुछ सीनियर्स कर देंगे या फिर आप बाइनेंस के थ्रू कर सकते हो। बाइनेंस तो बैन हो गया, बिटगेट या फिर अलग अलग कुछ ऐप्स है उसके थ्रू कर सकते हो, उसमें थोड़े से पैसे कम मिलते हैं। अगर आप किसी को जानते हो जो कन्वर्ट करता होगा, जैसे हम भी कन्वर्ट करते हैं अपने यहाँ पे, मेरा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहो तो उस पर, अगर आप यहाँ पे आना तो फिर आप उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। मैं उसके लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाना। उसमें आपको रेट्स अच्छे मिल जाते हैं, आप जितने भी बाकी लोगों से तो अच्छे रेट दे देते हैं हम लोग। तो यही है इसका आंसर कि आप इंडिया से लेके आना, वैसे हमेशा जब भी आओ तो आप एटलीस्ट रुपए और वीज़ा का एक कार्ड तो लेके ही आना। क्या पता स्टार्ट हो जाए, क्या पता उसमें रेट अच्छे मिल जाए, आपको इंडिया में होगा ही, आपका बैंक अकाउंट होगा तो चीज़ हो ही जाएगा। बाकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब चीज़ों में से सब कुछ इंडिया से ही ऑन करके आना। एक कोई भी सिम, मतलब जो भी आपका फ़ोन हो,
उस फोन में फोन पे और गूगल पे ऑन करके आना, इंडिया में ही ऑन कर लेना, यहाँ पे आके ऑन नहीं होता है। ऑन करने के लिए फिर आपको इंटरनेशनल रिचार्ज करना पड़ेगा, जो फिर आपका 1,000 का फिर झटका लग जाएगा आप इसको। तो यही दोनों चीज़ें आपको हमेशा यहाँ पे जरूरत पड़ती रहेगी कन्वर्ट करने के लिए। तो INR तो आपको देना ही पड़ेगा, INR के लिए आपके पास इंडियन अकाउंट होना चाहिए, जो कि UPI से भी हो जाता है, बाकी नेफ्ट ऑनलाइन बैंकिंग से भी होता है, तो दोनों ऑन करके आना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि इंडिया से आप अगर आप यहाँ पे आते हो तो इंडिया से बुक लेके आओ या फिर यहाँ पे आके लाइब्रेरी से इशू करा लो। तो भाई हम सच्चाई बताते हैं, इंडिया से जो बुक हम लोग लेके आए थे वो बुक यहाँ के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी में बुक मिलती है, पहले तो सबसे बहुत अच्छी बुक्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रशिया में अगर बुक आप लोगे तो रशिया में लाइब्रेरी से बुक लोगे वो रशियन में होगी, पहली बात वो इंग्लिश में है, और बाकी अच्छी अच्छी बुक है, प्रीफ्स मिल जाती है आपको, नेटर्स मिल जाती है, एटलस का नेटर्स की एटलस मिल जाती है, सब कुछ अच्छी जो प्रॉपर बुक आपको इंडिया में मिलती है वो यहाँ पे मिल जाती है, आप लाइब्रेरी से इशू कर सकते हो। हर एक बंदा अपना अपना खुद का एक एक नेटर्स एटलस यहाँ पे लेके घूमता है, क्योंकि सब लोग को लाइब्रेरी से मिल जाती है। और बाकी अगर इंडिया से आप आ रहे हो तो आप फालतू में लगेज बढ़ाओगे, अगर आपका मन है तो आप इंडिया से लेके आ सकते हो, उस चीज़ के लिए कोई रोक नहीं। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आप उसको लेके आ सकते हो, पर अगर हम ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको वो सारी बुक्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे खुद से आके आप देख सकते हो यहाँ पे लाइब्रेरी में। आपको एक ही बार जाना है, आपको जब आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में कार्ड बनाओगे और वहाँ पे कार्ड दिखाओगे, वो आपको एक साल में जो भी पूरे फर्स्ट ईयर में जो भी बुक्स यूज होने वाली है वो सारी की सारी एक साथ में करके दे देगा, जिसमें एनाटॉमी, जस्टिस, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ की सारी बुक आपको एक साथ मिल जाएगी, जो कि अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ रखी है मेरी। तो यही है कि आप इंडिया से चाहो तो लेके आ सकते हो, पर यहाँ पे मिल जाती है, हम ये मोस्टली बताना चाह रहे हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए 4 का क्वेश्चन ये चीज़ हो गया, 4 क्वेश्चन आपके आंसर हम दे दी। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको उसका आंसर फिर से दे दूंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको आंसर दे दूंगा। पोस्ट कर देना, मैं डाल दूंगा भाई, भाई डाल देगा। तो लाइक करिए वीडियो, सब्सक्राइब। तो फिर दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।